राम राम। राम राम। राम राम। मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस संस्था राजगढ़ से आया हूँ और मेरा नाम राम प्रसाद दांगी है। आपका नाम परिचय बताओ। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम कमल सिंह है, मैं ब्यावरा कला का रहने वाला हूँ और अभी प्याज की देख रेख कर रहा हूँ। दादा अभी आप आज क्या कर रहे हो? सर आज हमें देख रहे हैं कि हमारे प्याज में रोग लग रहा है, कुकड़ा रोग लग रहा है, तो इसको देख रहे हैं इसमें कौन सा रोग लग रहा है, तो इसकी देख रेख कर रहे हैं हम। अच्छा, कि ये माता क्या हो रहा है, ये पूरा हो गया कुकड़ा रोग जैसा लग रहा है इसमें, तो इसकी देख रेख कर रहे हैं। तो जैसे ये कुकड़ा रोग लग रहे हैं ना, तो अपनी इसकी पूरी देख रेख कर रहे हैं कौन सा क्या है, तो कुकड़ा रोग के मैं देख के फिर इसकी एक दवाई लाएंगे, तो वो दवाई स्क्रीन करेंगे। तो दादा अभी आप जो आपकी फसल में रोग लगा उसके बारे में हमें बताओगे? हाँ क्यों नहीं बताएंगे दादा, बताएंगे ना। तो देखो दादा ये रोग लग रहा है, ये पूरे प्याज में ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये है। हाँ, ये उकता रोग। हाँ ये उकता रोग है, ये कुकड़ा रोग है। अच्छा, ये देखो पूरा ही खेत का ऐसा हो रहा है ये। तो चलो आपको मैं बताता हूँ इसमें कौन सी दवाई छिड़कनी है, कौन सा ये स्प्रे करना है। चलो तो दादा जो ये उकटा रोग लग रहा है इसमें आप कौन सी दवाई डालोगे उसका जरा नाम वाम बताओ। हाँ बताएंगे ना सर, इसमें जो दवा डालेंगे इसका नाम मेथाफिस्टोक है, जो अपने पंप में 25 या 30 ml डाल के और इसको छिड़काव कर देते हैं। इससे ज़्यादा लेनी पड़ती है ना कम लेनी पड़ती है, तो ज़्यादा में क्या है इसका रोग कुछ भी हो सकता है ज़्यादा में, जो इसमें यह है इसकी सावधान रखने से 25-30 ml के बीच में ही इनको। अच्छा। सर हम इसमें क्या करते हैं इसको देखते हैं, फिर एक बार दवा छिड़कते हैं उसके बाद इसमें फिर भी थोड़ा थोड़ा ये रहता है, तो अपन 15 दिन बाद फिर डबल से इनको इसमें छिड़काव कर देते हैं, तो वो पूरा अपना फसल अच्छा हो जाता है। तो दादा आप इस दवाई को कब से छिड़क रहे हो, इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं नहीं सर जी, इसका क्या है हम 2-3 वर्ष से छिड़क रहे हैं और ये अच्छी दवाई है, अपन ने क्या इसका उपयोग कर लिया है, तो अपन को उपयोग कर लिया तो उसी चीज़ को अपन छिड़काव करें, जो देख लिए तो उसके उपयोग करना चाहिए, गलत चीज़ का उपयोग गलत है। जैसे एक बार हमने किसी से पूछे गलत चीज़ छिड़क दी थी तो गलत हो गया था, और अभी इसका अपन 3 साल से कर रहा हूँ इसका उपयोग, तो ये अच्छा लग रहा है। अच्छा इसीलिए? हाँ, तो इससे क्या है रोग ख़त्म हो जाता है और इसका अच्छा लाभ, अच्छा मतलब अच्छा ये देखा अपन को इस दवाई का प्रदर्शन अच्छा है इसका, तो यही छिड़काव करते हैं हमारे पास। मान लो फिर भी रोग नहीं गया डबल से भी इसी, जैसे इसका रोग नहीं होता था इसको डबल से करते हैं 15 दिन की छठी से करते हैं, वो 25-30 ml के बीच में इसको लेते हैं, पर इससे फिर वो डबल में ये हो जाता है। तो दादा जो ये आप दवाई छिड़क रहे हो इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है? वो छिड़काव में अपना मुंह पे बांध कर वो छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि इसमें बदबू आती है, तो इसमें बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती है। तो सर इसमें और सावधानियाँ रखनी पड़ती है कि जैसे अपन को दवाई 25-30 ml से ज़्यादा नहीं छिड़कानी पड़ती है, और अपन जैसे कोई भी दवाई अपन दुकान पे जाते हैं तो उसका पहले तो उसकी डेट देखनी चाहिए, डेट निकल तो नहीं गई तो वो क्या दवाई प्रयोग नहीं करती है, जैसे अपन कहता है दवाई छिड़क दी, अपन दवाई छिड़क दी फिर भी रोग नहीं जा रहा है, तो वो सबसे पहले अपन को उसकी या हाँ मतलब एक्सपायरी दवाई होनी चाहिए कि वह दवाई वास्तविक है या नहीं है, ये किसी को भी बता लेना चाहिए कि हाँ ये दवाई अपन पहले ले गए तो एक दो बार उससे सही अपन को जानकारी मिल जाए, तो अपनी नुकसान भी नहीं हो। जैसे अपन ने छिड़क दी दवाई पहली, उसके बाद फिर 15 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए इसका। अच्छा 15 दिन बाद ही? हाँ, ये सावधानी हमें ज़रूरी है। तो दादा आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, तो आप अन्य किसानों को भी क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समय समय पर छिड़काव करें दवाई का, वो सही दवाई हो, दवाई को ही सबसे महत्व है इसमें, दवाई ही अगर आप गलत दवाई लिया तो गलत प्याज की पूरा अपनी फसल नष्ट हो जाएगी, और हमेशा दवाई का उपयोग सही ढंग से करना, वो 25-30 ml से ज़्यादा नहीं छिड़काव करना, दवाई सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, तो दवाई का सबसे बड़ा ध्यान रखें और ये प्याज की खेती बहुत अच्छी है और इसका ही उपयोग करें। तो दादा आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए हमारी ओर से और हमारी संस्था की ओर से आपको धन्यवाद। जय श्री। आपको धन्यवाद सर।